नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। पन्ना जिले की गुनौर विधानसभा में गौरव दिवस मनाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आदिवासियों के सम्मान के लिए गौरव दिवस के रूप में मनाया गया, जहां आदिवासियों का सम्मान ओम पैलेस गुनार में समस्त कांग्रेसियों ने क्षेत्र के आदिवासियों का सम्मान किया एवं आदिवासियों के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा ही आदिवासियों के साथ रही है एवं आदिवासियों के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी कृत संकल्पित है। वर्तमान विधायक शिवदयाल बागरी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण गौतम, अमानगंज ब्लॉक के अध्यक्ष भभूत सिंह राजपूत, लल्लाबाई चौधरी, नरही चौधरी, पूर्व विधायक सुंदर चौधरी, प्रकाश चौधरी, जितेंद्र सिंह जाटव, कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष राम बहादुर द्विवेदी, सेवा दल से ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर कश्यप राजाराम, आदिवासी एवं समस्त आदिवासियों का स्वागत किया गया एवं उनका सम्मान भी किया गया। गुनौर विधानसभा जो अनुसूचित के लिए आरक्षित सीट है और यहाँ पर सबसे ज्यादा गुनौर विधानसभा में अनुसूचित जाति के लोग प्रताड़ित होते हैं, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, उन जो अन्याय हो रहा है उनके साथ उनको क्या प्रयास आपका रहेगा? देखिए, हमारे इस मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो दलित समाज जो था, अनुसूचित जाति जो थी, वो इतनी दबी कुचली हुई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने नई नई योजनाएं लागू करके, जैसे कर्ज माफी और ये अनुसूचित जाति है इत्यादि अधिकार दे करके इस समाज को आगे उठाया। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई उसने पुनः चक्र चला करके और इन जातियों को दबाने की कोशिश की, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की। अगर हमारी कांग्रेस सरकार वर्तमान में 2023 में चुनाव जीतती है, हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं। आज गौरव दिवस है आदिवासियों के लिए, आदिवासी समाज के लिए आपका क्या संदेश जाए? आदिवासी समाज के लिए अगर हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आदिवासियों की जमीनों के पट्टे दिए जाएंगे, उनके जंगल क्षेत्रों में कहीं महुआ फैक्ट्री है, उद्योग धंधा है या उनकी गुजर के लिए, उनके रोजगार के लिए कांग्रेस सरकार व्यवस्था करेगी, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगी, आदिवासी छात्रावासों का निर्माण। आपका नाम आपका नाम ताकि उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर अपने घरों पर खड़े हो सके। आपका नाम? मेरा नाम नन्हे प्रसाद चौधरी, आज कांग्रेस का सम्मान समारोह हुआ, आदिवासियों को सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ। कितनी महिलाएं आई होंगी लगभग? हाँ, अपने गांव से अकेले ही आई हैं। अच्छा, आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा महसूस? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस ने सम्मान किया, बहुत महिलाएं आई हैं और हम लोग अच्छी बहुत। आपका नाम क्या है? हम बहुत खुशी आए हैं, बहुत खुश हैं। क्या नाम है? प्रेम भाई, आदिवासी। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुनौर में आदिवासी सम्मान कार्यक्रम गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार यदि आएगी तो कौन सा एजेंडा लेके आएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी वास्तविकता में दलित पिछड़े आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए काम करती है। आदिवासी भाइयों को हमारी इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने पट्टे जमीन 5-5 एकड़ की जमीन बांटे। आप ये पता करिए कि आज हमारे आदिवासियों के पास जो जमीन है वो कहाँ से आई? कांग्रेस पार्टी ने पट्टे दिए, उनके पास जमीन तो थी, जोतते थे, लेकिन पट्टे कानूनी अधिकार दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, आदिवासियों को फिर से जमीन के पट्टे देगी, उनके ऊपर जो कर्जा है कर्जा माफ करेगी और आदिवासियों को रोजगार देगी और हमारे आदिवासी बच्चों को जो पढ़ना चाहते उन्हें विदेश भेजने की भी और बहुत सारी योजनाएं जो कांग्रेस पार्टी में चलती थी वो पुनः चालू करी जाएगी। और हम वास्तविकता में जो दलित पिछड़े आदिवासी भाइयों के लिए अगर कांग्रेस पार्टी काम करती है तो हम अपने आदिवासी भाइयों से भी निवेदन करते हैं कि आप भी कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए और 2023 में कांग्रेस पार्टी को इतनी मजबूती से पंजे का बटन दबाइए कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बने, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और 24 में नरेंद्र मोदी भी हिल जाए और हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। आपका नाम? मैं चौधरी जितेंद्र सिंह जाटव, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति। ब्यूरो रिपोर्ट।